गेम प्ले करने में मजा आ रहा है। यहाँ पे एनिमी भी बहुत है और यहाँ पे FPS आपको 43 का देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एक बोलते हैं ना FPS जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है। ओहो देख सकते हो भाई, हम लोग का रियलमी का GT मास्टर एडिशन है और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इसमें पबजी टेस्ट करने को। आज की वीडियो में, इस वीडियो में करने वाला हूँ पबजी टेस्ट करूंगा 1 आवर, देखेंगे कितना ज़्यादा हीट होता है, मैक्स ग्राफिक के साथ खेलेंगे क्योंकि इसमें 60 FPS का गेमिंग होता है। इसमें एक नया प्रोसेसर देखने को मिलता है 778G, जो कि एक 5G प्रोसेसर है। इसके अलावा भाई बैटरी भी देखेंगे, मैंने स्मार्टफोन को 40% बैटरी चार्ज किया, 1 आवर के बाद क्या रिजल्ट देखने को मिलता है। और भाई इसके अलावा मैं इस स्मार्टफोन में काफ़ी तगड़ा स्पेक्स देखने को मिलता है, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। So guys, let's get started. Hello दोस्तों, मैं नाम अंकित और आप देख रहे हो टेकी अनबॉक्सिंग चैनल को। चैनल को सब्सक्राइब कर, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना, टेकी अनबॉक्सिंग यूजर नेम है। सबसे पहले तो बैटरी आप देख लो भाई, 40% मैंने इस स्मार्टफोन को चार्ज करके रखा हुआ है। तो मेरे पास जो वेरियंट है 8GB रैम विथ 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ में आता है, जिसका प्राइस है 28,000 रुपीज, अवेलेबल ऑन फ्लिपकार्ट, मैंने भी फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। इसका एक और बड़ा भाई देखने को मिलता है 8GB रैम विद 256 इंटरनल स्टोरेज, जिसका दाम है 30,000 रुपया। सबसे पहले बात कर लेते हैं डिस्प्ले को लेके, यहाँ पे फुल HD का सुपर एमुलेट डिस्प्ले है। सुपर एमुलेट से मेरे को तो भाई अलग से ही प्यार है, जो भी आप बोल लो। यहाँ पे आपको 6.43 इंचेस का आपको स्क्रीन साइज है और एक परफेक्ट स्क्रीन साइज में बोलूंगा, पबजी के लिए भी है एंड नॉर्मल यूजर्स के लिए भी है। 1000 nits का ब्राइटनेस है, सच में बोल रहा हूं, डिस्प्ले तो बहुत ज़्यादा प्यारा है और यहाँ पे 1000 nits का ब्राइटनेस में मज़ा ही आ जाता है। मतलब कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना ज़्यादा ब्राइटनेस है। 120Hz का रिफ्रेश रेट है एंड अभी ये 120Hz का रिफ्रेश रेट में मैंने रखा हुआ है। 360Hz टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। अगर मैं चिपसेट का बात करूँ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन का 778G देखने को मिलता है, जो कि 6 नैनोमीटर का चिपसेट है। इसको आप कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन का 855 से कंपेयर कर सकते हो। इसके अलावा मैं मीडियाटेक का जो नया प्रोसेसर है मीडियाटेक डायमंडसिटी 1000, उससे हल्का सा ये आप नीचे समझो, ठीक है, हल्का सा नीचे समझना। LPDDR4 का 8GB रैम देखने को मिलता है। इसके अलावा हम इसमें वर्चुअल रैम 5GB आप एक्सटेंड कर सकते हो, सेटिंग्स में जाके बहुत आसान है, मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे अबाउट फोन्स में गया मैं और यहाँ पे रैम में जाता हूँ, तो यहाँ पे आप रैम इंक्रीज कर सकते हो, आपको मतलब 2GB 3GB 5GB जितना भी आपको इंक्रीज करना है। इसके अलावा मैं बैटरी यहाँ पे 4300 देखने को मिलता है। फटाफट कुछ स्कोर्स वगैरह का बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो अंतुतु स्कोर 5,37,000 के ऊपर अबव देखने को मिलता है, जो कि एक अच्छा स्कोर है। सिंगल कोर में 786 है, मल्टी कोर में 2768 देखने को मिलता है, ये भी अगेन एक अच्छा स्कोर है। रीडिंग राइटिंग स्पीड बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें आपको UFS का 3.1 देखने को मिलता है, आई थिंक सो। सो गाइस यहाँ पे सब चीज़ रेडी हो गया, मैंने एकदम मस्त गेमिंग वाला मोड कर लिया अपना। और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, पबजी को खोलता हूँ, टाइमर भी स्टार्ट करता हूँ, देखते भाई कितने देर में दोनों खुल रहा है। क्राफ्टन आ गया, इंडिया वाला बाय द वे वेरिएंट में खेल रहा हूँ। और एक और चीज़ बता दो, जब तक ये ऑन होता है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन रहेगा, इसकी वजह से हो सकता है थोड़ा सा फ़ोन हीट करे। और मैं ब्राइट, अगर मैं टेम्परेचर का बात करूँ, रूम का टेम्परेचर 27 देखने को मिलता है और जो फ़ोन का टेम्परेचर है 32 आपको ऑन स्क्रीन के तरफ है। 24 सेकेंड में आपका पबजी पूरा लोड हो जाता है, मस्त वाली बात है, इसको रीसेट कर देते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेटिंग्स एंड ग्राफिक्स, क्या आपको सेटिंग्स देखने को मिलते हैं। तो फटाफट भाई जाते हैं सेटिंग्स, और यहाँ पे मैंने जायरोस्कोप को बाय द वे ऑलवेज ऑन करके रखा है एंड कैसा चलता है वो भी मैं बताऊँगा पूरा एक्सपीरियंस। और ऐसा नहीं कि डायरेक्ट मैं कैमरा के सामने बैठ रहा हूँ, बहुत इसको यूज़ करने के बाद, गेम प्ले करने के बाद मैं फाइनली आपके सामने लेके आ रहा हूँ वीडियो को। यहाँ पे स्मूथ में आप एक्सट्रीम तक जा सकते हो, जो कि आपको 60 FPS का गेमिंग निकाल के देगा। बैलेंस में आप 40 FPS का गेमिंग कर सकते हो। HD में आप HD अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो, जहाँ पे आपको 40 FPS का गेमिंग मिलेगा। HDR भी सपोर्ट करता है अल्ट्रा में, जहाँ पे आप आराम से 40 FPS का गेमिंग निकाल सकते हो, अल्ट्रा HD सपोर्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे स्मूथ में एक्सट्रीम में गेम प्ले करेंगे 1/2 आवर। यहाँ मैंने गेम प्ले को स्टार्ट किया और यहाँ पे मैंने टाइमर को भी स्टार्ट कर दिया। बाय द वे अगर मैं स्पीकर बताऊं तो स्पीकर से मैं थोड़ा सा नाराज हूं, बिकॉज यहाँ पे आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है, मोनो स्पीकर। अगर स्टीरियो साउंड के साथ स्टीरियो स्पीकर आता तो ज्यादा मजा आता है, क्योंकि आपको ना समझ में आता है लेफ्ट एंड राइट कहाँ पे एनिमी है, लेफ्ट में है कि राइट में है, तो वो थोड़ा सा है। अगर डुअल स्पीकर हो जाता तो मजा ही आ जाता है। तो FPS बाय द वे यहाँ पे मैंने बहुत ट्राई किया चलाने का, नहीं चला। तो रियलमी का जो खुद का आता है वहां पे हम लोग FPS देखेंगे। अभी FPS 58-59 का मिल रहा है, तो हम लोग यहीं से FPS चेकआउट करने वाले हैं। जैरोस्कोप का बात करूँ तो जैरोस्कोप बहुत मस्त स्मूथ मक्खन चल रहा है, गेम प्ले करने मज़ा आ रहा है। यहाँ पे एनिमी भी बहुत है और यहाँ पे FPS आपको 43 का देखने को मिलता है। ओके 43 FPS है फिलहाल।
तो यहाँ पे आपको कंटिन्यू एक बोलते हैं ना FPS जो मिलता है वो नहीं मिल रहा है। और एनिमी किधर है भाई? अरे मैं भी गया, मैं भी गया। अरे यार टीममेट सामने नहीं रहते ना, मज़ा नहीं आता है। ये छत पे मैं लैंडिंग कर गया मस्त। भाई एक बार मुंह दिखा दे। सो गाइस यहाँ पे टोटल 30 मिनट हो चुका है पबजी गेम प्ले करते हुए। यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके। तो रूम का जो टेम्परेचर है वो 29 देखने को मिलता है, जो फ़ोन का स्क्रीन की तरफ मैक्स टेम्परेचर 44.2 देखने को मिलता है। जो इस साइड वाला पोर्शन है सबसे ईयर पीस वाला वो सबसे ज़्यादा गर्म कर रहा है, वहाँ पे हो सकता है प्रोसेसर हो। और नीचे में आते आते भाई ठंडा हो जा रहा है। एंड अगर मैं पीछे का बात करूँ तो पीछे में मैक्स टेम्परेचर आपको भाई 43 देखने को मिलता है, 46 भी है भाई, एक मिनट नहीं भाई 44 सबसे मैक्स टेम्परेचर आपको देखने को मिलता है। एंड अगर बैटरी का बात करूँ तो भाई बैटरी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब हम लोग ने स्टार्ट किया था तब तो बैटरी 40% पे था, अभी जो बैटरी है ये 24 पे आ गया। तो हाफ एन आवर पबजी गेम प्ले 60 FPS में लगभग आपको ड्रॉप देखने को मिलता है, 16% का ड्रॉप देखने को मिलता है, 16% का ड्रॉप है 60 FPS का गेमिंग अगर आप करोगे स्मूथ विथ एक्सट्रीम में। अब हम लोग क्या करेंगे कि जो सबसे हाई होता है ना HDR का अल्ट्रा, उसमें हम लोग गेम प्ले करेंगे और देखेंगे कि भाई उसके बाद क्या परफॉर्मेंस निकाल के दे रहा है। एंड अगर मैं गेम प्ले का बात करूँ तो गेम प्ले मस्त मक्खन स्मूथ चल रहा है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। गेम प्ले करने में एक्चुअली बहुत मज़ा आ रहा है मेरे को तो। अरे रे 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 यार मैं तो देखा ही नहीं, कितना अच्छा मैच था भाई, मैं तो देखा ही नहीं कि मेरे को लगा एक ही जन है। HDR में अब अल्ट्रा में गेम प्ले करेंगे एंड देखेंगे कैसा निकाल के दे रहा है गेमिंग। ओ तेरी भाई कहाँ से मारा। अरे यार कोई रिवाइव कर दे। गया 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 यार मेरे बिल्डिंग में है ये तो। तो गाइस यहाँ पे लास्ट जो TDM मैच था वो भी खत्म हो गया, गेमिंग करने में मज़ा आ गया, गेमिंग एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। तो यहाँ पे 1 hour 6 minutes हो चुका है टोटल गेम प्ले करते हुए। यहाँ पे सबसे पहला बात कर लेते हैं टेम्परेचर को लेके। तो रूम का टेम्परेचर आपको 29 देखने को मिलता है और यहाँ फ़ोन का टेम्परेचर 45 तक जा चुका है, 45.3 जा चुका है। ये एयर पीस कैमरा के फ्रंट कैमरा की तरफ सबसे ज़्यादा हीट आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा पीछे में अगर बात करूँ तो पीछे में आपको कैमरा के साइड में आपको 44 मैक्स टेम्परेचर देखने को मिल रहा है। तो एक चीज़ मैंने नोटिस किया है कि पीछे में ज़्यादा गर्म आपको देखने को नहीं मिलता है एज़ कम्पेयर टू स्क्रीन, स्क्रीन सबसे ज़्यादा कंपेयर ये गर्म होता है। बैक में आपको लेदर फिनिशिंग के साथ में आता है तो ग्रिप बहुत सही बनता है स्मार्टफोन का, आपको स्लिपी नहीं होगा। आपके हाथ में अगर पसीना भी आता है तो भी आपका स्मार्टफोन स्लिपी नहीं बनेगा और गिरेगा नहीं, क्योंकि लेदर फिनिशिंग के साथ आता है तो बहुत अच्छा ग्रिप आपको देखने को मिलता है। बाकी तो भाई स्क्रीन की तरफ अगर बताऊं तो तगड़ा वाला स्मार्टफोन गर्म होता है, क्योंकि भाई 1000 nits का ब्राइटनेस फुल करके मैंने गेम प्ले 6% पे आ गया। तो बैटरी बहुत ज़्यादा स्पीड से ड्रेन हो रहा है मेरे ख्याल से, क्योंकि जब हमने गेम प्ले स्टार्ट किया था तब ये स्मार्टफोन 40% चार्ज था, उसके बाद में डायरेक्ट आधा घंटा बाद 24 आ गया, मतलब 16% का बैटरी हम लोग को ड्रेन देखने को मिला। अब भाई 24 से हो गया 6%। HDR अल्ट्रा में गेम प्ले करने से 18% का बैटरी यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल रहा है। तो स्मूथ एक्सट्रीम में जितना नहीं हो उतना भाई अल्ट्रा, ये HDR अल्ट्रा में ज़्यादा बैटरी ड्रेन देखने को मिल रहा है। और ये स्मार्टफोन भाई बहुत जल्दी मतलब बैटरीज का ड्रेन होता है, क्योंकि भाई
और मेन प्रॉब्लम पता है क्या, इसका ब्राइटनेस, ब्राइटनेस 1000 निट्स का दिया है, तो ब्राइटनेस बहुत ज्यादा है, इसकी वजह से बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन देखने को मिलता है। जेरोस्कोप एकदम मक्खन चला, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, और साउंड भी आपको अच्छा देखने को मिलता है, अगर स्टूडियो होता तो ज्यादा मजा देखने को मिलता। और इसके अलावा भाई कमाल का डिस्प्ले है, कमाल का सब चीज़ है, टच सैम्पलिंग रेट वगैरह हो गया या फिर रिफ्रेश रेट हो गया, सब चीज़ ठीक है, लेकिन FPS जो है ना ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता ये 60 फ्रेम। जैसे कोई एनिमी आता है, कुछ होता है, तो फ्रेम ड्रॉप्स आपको मतलब देखने को मिलता है कि हाँ वो 50 हो गया, 45 हो गया, तो ऐसे आपको हो जाता है। और यहाँ पे भाई बात करते करते 2-3 मिनट हो गया है, तो अब मैं बात करूँ तो भाई ये फ़ोन जो है वो लगभग स्क्रीन के तरफ में 41 आ गया है, क्योंकि इसमें भाई आपको वेपर चैम्बर कूलिंग सिस्टम देखने को मिलता है, तो बहुत अच्छे तरीके से जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट एकदम ठंडा भी हो जाता है स्मार्टफोन, तो ये एक अच्छा प्लस पॉइंट है। मेन मुद्दा का बाद में आता है कि भाई ये स्मार्टफोन पबजी के लिए है कि नहीं, तो हाँ भाई पबजी के लिए स्मार्टफोन है, बहुत अच्छा खासा गेम प्ले निकाल के देता है। इसमें जो आपको आता है वो एक क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778G जो कि 5G प्रोसेसर है, नया प्रोसेसर है। अगर इसको कंपेयर करना चाहते हो तो आप डायमंड सिटी का 1000 से कर सकते हो, 1000 ज़्यादा बेटर है, ये 1000 से थोड़ा कम है। और इसके अलावा इसको कंपेयर कर सकते हो स्नैपड्रैगन का 855 से। गेमिंग के लिए अगर आपको लेना है तो आप आराम से ले सकते हो, तगड़ा गेमिंग निकाल के देगा, बस बैटरी बैकअप का थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, फोन ज्यादा हीट भी नहीं करता है। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, अगर कहीं से हेल्पफुल लगता है इस वीडियो को छोटा सा लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बिकॉज ये सारे स्मार्टफोन हम लोग खुद से परचेस करके आपके सामने रिव्यू लेके आते हैं। और इसी तरह के अमेजिंग कंटेंट के लिए सपोर्ट करो, और भी जाके वीडियो से चैनल पे जाके चेकआउट करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।